जादुई बैम्बू हाउस इन फ्लड्स। हिमाचल में विक्की जिकी नाम के दो दोस्त रहते थे और उन दोनों की शादी हुई और वो आसपास में ही रहने लगे। विक्की दहेज में आए पैसों से एक नया घर बनाने लगा। उसे देखकर जिकी की पत्नी जानकी, ओ जी, आपका दोस्त विक्की घर बना रहा है जी। वो भी मामूली घर नहीं, बहुत बड़ा घर बना रहा है, बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है, वो बड़े धूमधाम से घर बना रहा है जी। हारी वो अपने पत्नी के लाए दहेज से घर क्या, दो तीन आलीशान महल भी बना सकता है। वो बहुत अमीर लोग हैं, उन्हें पैसों की परवाह नहीं है। मगर हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है ना, हमारे पास रहे थोड़े पैसों से ही मैं तुम्हारे लिए दो छोटे छोटे बैम्बू हाउस बनाऊंगा, एक खाना पकाने के लिए और दूसरा हमारे रहने के लिए बनाऊंगा। कहकर जंगल जाकर बांस लाया और उनसे घर बनाना शुरू किया। उसे देखकर विक्की, क्यों रे जिक्की, क्या हुआ, अचानक से तुम भी घर बना रहे हो, वो भी बांस से बना रहे हो? तेज हवा आई तो वो उड़ जाएगी रे, देख लो मेरे जैसे एक मजबूत सीमेंट का घर बनाओ। अरे मैं तो भूल ही गया, ऐसे बनाने के लिए तुम्हारे पास उतने पैसे तो नहीं है। मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, के साथ साथ मेरी पत्नी दहेज के रूप में बहुत सारे पैसे लाई, और तुम आदर्श विवाह करूंगा, बिना दहेज लिए शादी करूंगा कहकर सेंटिमेंट की बातें करके शादी किए हो। क्या कर सकते हैं, घर बनाने के लिए किस्मत वाला भी होना चाहिए। ठीक है संभल के। रे विक्की, ये मामूली बैम्बू हाउस नहीं है रे, ये जादुई बैम्बू हाउस है। मैं जंगल में मामूली बैम्बूज ही लाने के लिए गया था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तभी उन्हें एक सांप काटने के लिए आ रहा था। फिर मैं लकड़ी से उस सांप को दूर फेंक दिया। उस ऋषि को उस सांप से बचाने के कारण उन्होंने मुझे ये जादुई बैम्बूज देकर इसे घर बनाने के लिए बोले थे। इनका चमत्कार बारिश में ही पता चलेगा बोले थे, उसका मजाक उड़ाते हुए। तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है रे, तुम्हारे असमर्थता को एक अच्छे से कहानी में बदल कर बोल रहे हो। ये कहानियाँ जाकर तुम्हारे बीवी को सुनाओ, वो यकीन करेगी। मैं ऐसे बातों का यकीन नहीं करूँगा। कहकर वो घर बना लिया। दोनों के घर बने। एक दिन विक्की, रे जिक्की, हमारा घर बन गया है रे, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तुम अपने परिवार के साथ हमारे घर आना, और हाँ आते वक्त अच्छे कपड़े पहन कर आओ रे। ठीक है रे, उसी दिन हमारा भी गृह प्रवेश है, शायद मैं नहीं आ सकता, और कभी आऊंगा रे। नहीं आओगे तो कैसे रे, एक बार हमारे घर आकर उसे देखकर तो खुश हो जाओ। कम से कम उसे देखकर ऐसा घर मैं क्यों नहीं बना पाया कहकर मन ही मन में खूब रोना, मगर ऊपर से घर बहुत अच्छा बनाए हो रे कहकर बोलना। तुम्हें तो ऐसे बात करने की आदत है ना रे। रे विक्की, तुम ऐसे बात करते हुए मेरा अपमान कर रहे हो, ऐसे बातें करना बंद करो, तुम्हारे बातें मुझे बहुत दुख पहुंचा रही हैं। अगर वो भगवान सच में है तो वो सब देख रहा होगा, किसी ना किसी दिन वो तुम्हें सबक सिखाएगा। क्यों रे, तुम्हें जंगल में वो ऋषि जादुई बैम्बू देने के साथ साथ श्राप देना भी सिखाया है क्या? ऐसे श्राप दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे जैसों के बद्दुआएं मुझ पर काम नहीं करेंगे रे। एक बार आकर मेरा घर देख कर जाओ। ठीक है रे, जरूर आऊंगा। वो देखकर जिक्की की पत्नी, क्यों जी, आपका दोस्त हरदम आपको अपमानित करता ही रहता है, आपको दूसरा कोई काम नहीं है क्या? वो आपका इतना अपमान कर रहा है, फिर भी आप चुप क्यों बैठते हो जी? कुछ नहीं जानकी, मैं बचपन से ही पढ़ाई में उससे ज्यादा मार्क्स लाता था और वो ठीक से पढ़ नहीं पाता था। उसके पिता मेरा उदाहरण देते हुए उसे बहुत पीटता था, उस वजह से वो मुझसे हरदम बदला लेना चाहता था। इसीलिए उसे जब भी मौका मिलता है वो ऐसे बात करते हुए मेरा अपमान करने की कोशिश करते रहता है, वो एक टाइप का साइकोइज्म है। तुम फिक्र मत करो, कल पूजा के लिए सब तैयार रखना। उस रात बहुत तेजी से बारिश गिरने लगी और उनके गांव में बाढ़ आया। उस बाढ़ में गांव सारा डूब गया, विक्की का नया घर भी डूब गया। विक्की और उसकी पत्नी उस पानी में तैरते हुए जिक्की के घर के तरफ आए। अरे जिक्की, कल रात में आए बाढ़ के वजह से हमारा घर डूब गया है रे। सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं डूबा है रे, तुम्हारा घर पानी में कैसे तैर रहा है रे, हमें भी ऊपर खींचकर बचा लो रे, प्लीज। कहते ही जिक्की उन्हें अपने बैम्बू हाउस के ऊपर लाकर उन्हें बचा लिया। मैंने पहले ही कहा था ना रे, ये मामूली बैम्बूज नहीं है कहकर, ये जादुई बैम्बूज हैं। इनका चमत्कार बारिश में पता चलेगा कहकर भी मैंने कहा था ना, इसीलिए इस बाढ़ में सबके घर डूब गए, मगर सिर्फ मेरा घर ही बिना डूबे तैर रहा है। ये उस ऋषि के दिए हुए जादुई बैम्बू से बनाया घर है ना रे, जितने भी बाढ़ आए ये बैम्बू बड़े होकर पानी में बिना डूबे बचाता है।
रे जिक्की सॉरी रे, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत बार अपमानित किया है रे, मगर तुमने आज हमें इस भार से बचाकर हमें आश्रय दिया है, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा रे। जायंट वाटर बॉटल। कुछ समय पहले भासना नाम का एक गांव था। उस गांव में कड़ी धूप रहने के कारण झरने, तालाब, खेत सब सूख गए। एक बार एक घर में पत्नी अपने पति से, ओ जी ये क्या जी, बारिश का मौसम आ चुका है फिर भी कड़ी धूप चल रही है, इस धूप में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। क्या करूं, हमारा गांव ही ऐसा है, किसान, व्यापारी, मजदूर सब इस भीषण धूप को सह नहीं पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। अगर कोई किसान हिम्मत करके खेत को जाने की सोचे तो भी वहां एक बूंद पानी तक नहीं है, सारे तालाब सूख गए, इस धूप के कारण वो सब भाप बन गए। एक बार चौपाल के पास गांव के लोग और उस गांव के बड़े सब मिलकर समावेश हुए। गांव वालों, हमारे गांव की समस्या को परिष्कार करने के लिए स्वामी जी आ रहे हैं, वो हमारे समस्या का समाधान जरूर देंगे, यूं आशा करते हैं। इतने में स्वामी जी एक वाटर बॉटल के साथ वहां पर आए। स्वामी जी गांव वालों से, गांव वालों ये लीजिए, इस वाटर बॉटल से आपके गांव की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस छोटे से वाटर बॉटल से हमारे गांव की पानी की समस्या कैसे दूर होगी स्वामी जी? स्वामी जी हंसते हुए हाथ घुमाए, बस वो वाटर बॉटल एकदम से जायंट वाटर बॉटल में बदल गया। गांव वालों ये आपको जितना चाहे उतना पानी दे सकता है, आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिनों में आपका गांव हरा भरा हो जाएगा, कहकर आशीर्वाद देकर चले गए। गांव वाले तब बहुत खुश हुए। अगले दिन से गांव की महिलाएं वाटर बॉटल में से पानी पकड़ने के लिए घड़े के साथ आए और थोड़े लोग वाटर टैंकर के साथ वहां पर आए। ऐसे उस गांव में मैजिकल जायंट वाटर बॉटल के कारण पानी की समस्या दूर हुई। किसान अच्छे से खेती बाड़ी करने लगे। और व्यापारी उन फसल को बेचने लगे और तब से गांव वाले खुशी से रहने लगे। कार वाला चैलेंज। एक समय की बात है, सुबोध नाम का एक अमीर आदमी था, बहुत गर्व था उसे। उसकी एक आदत थी, उसकी महानता सबको दिखाने के लिए एक कार खरीद कर पूरे गांव में उस कार को लेकर करता था। सामने कोई हो या ना हो, हॉर्न बजाता ही रहता था। एक बार सुबोध ने एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदी, वो सबको दिखाने के लिए हॉर्न बजाए जा रहा था। वो शोर से परेशान एक आदमी, अब्बा अब्बा कौन है ये पागल, इतना हॉर्न बजाया जा रहा है, कौन है वहाँ पे जो ये हॉर्न बजा रहा है, कोई नहीं है ना? वो उसका पागलपन है, नई कार खरीदा ना वो सबको दिखाने के लिए, ये उसका प्रयास है इसीलिए हॉर्न मार रहा है। और एक बार सुबोध अपने स्पोर्ट्स कार में एक स्कूल के रास्ते पर जा रहा था, सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसकी कार दिखाने के लिए वहाँ पर हॉर्न बजाने लगा, हॉर्न बजा रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल तब वहाँ आकर, भैया यहाँ पर स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, आपको पता नहीं है क्या? ये मेरी कार है, मेरी मर्जी, मैं जो भी चाहूँ करूँगा, बोलने वाले आप कौन है? प्रिंसिपल ने लाचार होकर आखिर में पुलिस को कॉल किया और सब बताया। इतने में पुलिस जीप वहाँ आई, SI आकर प्रिंसिपल से, क्या हुआ प्रिंसिपल, यहाँ क्या चल रहा है? उनको क्या पूछ रहे हो सर, मुझे पूछिए। और उसने सब SI से कहा, क्या रे स्कूल के सामने आकर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ये तुझे मालूम नहीं है क्या, ये नो हॉर्न जोन है, पता नहीं तुझे? देखो SI मैं कौन हूँ आपको पता है, इस गांव के सबसे अमीर आदमी का बेटा हूँ, मुझसे मत भिड़ो, कहते हुए वार्निंग दिया। मैं कौन हूँ पता है, तेरे जैसे लोगों की अक्ल टिखाने लगाने वाला पुलिस हूँ, कहते हुए लाठी से पीछे लगा। बस और क्या, सर सर मुझे छोड़ दो सर, मैं ये स्कूल की तरफ फिर कभी नहीं आऊंगा, कहते हुए वहां से चला गया। और एक बार सुबोध उसकी स्पोर्ट्स कार लेकर गांव में जा रहा था, मन में सोच रहा था, अब से वो स्कूल की तरफ नहीं जाऊंगा, जहां ज्यादा लोग रहेंगे वहीं जाकर करूंगा ये सब। जाते जाते उसको एक अस्पताल दिखा, सुबोध ने सोचा, अब्बा यही मेरा गोल्डन चांस है, यहां पर तो ढेर सारे लोग आते हैं। फिर से वो कार का हॉर्न बजाने लगा। तब एक डॉक्टर आकर, क्या है ये, यहाँ हॉर्न मत बजाइए, ये हॉस्पिटल है, पेशेंट्स रहते हैं, उनको डिस्टरबेंस होता है,
क्या भैया, ये कोई स्कूल है क्या जहाँ बच्चे पढ़ते हैं जो उनको डिस्टरबेंस होगा? ये मेरी कार है, मेरी मर्जी, ऐसे पावर के साथ कहा। डॉक्टर ने तभी पुलिस को कॉल किया और कम्प्लेन किया। एसआई फिर से वहाँ आकर, क्या रे, तुझे कितना भी कहे तुझे समझ में नहीं आता क्या, कहकर फिर से पीटने लगा। सर सर सर, मुझे जाने दीजिए सर, और एक बार अस्पताल की तरफ भी नहीं आऊंगा सर। स्कूल ही सोचा था मैंने, अस्पताल की तरफ आज के बाद कभी भी नहीं आऊंगा सर। वहां से चला गया। वही गांव में रविकांत नाम का स्क्रैप वाला था। उसके गैराज से पुरानी कार्स को स्क्रैप में बेचता था। उसमें से एक पुरानी कार को रविकांत ने शॉपिंग मॉल के पास पार्क किया हुआ था। इतने में ही वहाँ अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर सुबोध आया। सुबोध को अपनी कार पार्क करने के लिए जगह न मिलने पर रविकांत की कार को देखकर, छी छी, ये खटारा कार को पार्किंग की क्या जरूरत है, सोचते हुए रविकांत से कहा, अरे भाई ये खटारा कार को निकालो, मेरी कार पार्क करनी है। मेरी कार मैंने यहाँ पार्क कर ली है जी, आप कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। क्या रे, तुझे इतना घमंड है कि तू मेरी बात को नहीं मान रहा है, मैं कौन हूँ पता है? कार का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। तब रविकांत अपने कान बंद करके, अरे रुक जाओ, बंद करो इसे, जोर से चिल्लाया। क्यों बंद करूं भाई, ये कोई स्कूल या हॉस्पिटल थोड़ी है, ये मेरी कार है, मेरी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, चुपचाप अपनी कार वहाँ से निकालोगे या नहीं, वरना मेरी कार के हॉर्न से तुम्हारी बलि चढ़ जाएगी। ऐसे रविकांत को डराने की कोशिश कर रहा था। इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, सोचते हुए फोन पर कहा, अरे यहाँ पे कोई मुझे चुनौती दे रहा है रे, अपने गैराज में जो भी कार्स है एक बार सारे यहाँ पर लेके आओ, कहकर फोन रख दिया। अरे तू पुलिस को कॉल करेगा सोच रहा था, तेरी खटारा कार्स लेके आने को कह रहा है, आने दो देखता हूँ मैं, यूं डराने लगा। रविकांत के आदमियों ने तब पुराने कार्स को एक बड़े से ट्रक में लेकर आए। रविकांत ने तब क्रेन की मदद से पुराने कार्स का एक बड़ा सा दीवार बना दिया। दम है तो अब आकर दिखा, ये दीवार से टकरा कर जा, ऐसे कहकर चैलेंज किया। अरे ये मामूली आदमी नहीं है, अब अगर किसी भी तरह ये दीवार को टकराते हुए जाऊंगा तो वो खटारा कार्स मेरी कार के ऊपर गिर सकते हैं, फिर मेरी कार खटारा बन जाएगी। सोचकर लाचार होकर सुबोध रविकांत के पास आकर, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार और घमंड से आपके साथ बात की, आज के बाद जहां मन हुआ वहां हॉर्न नहीं बजाऊंगा, ऐसे कहकर नमस्कार करते हुए वहां से चला गया।